आजकल बिग बॉस के घर में आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसको देखने के बाद हर कोई होने वाला है शॉक। जहां एक तरफ नॉमिनेटेड हुए हैं शार्दुल पंडित और दूसरी तरफ रूबीना दिलेक, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही चल रहा है कि भाई होने वाला है इविक्शन फाइनली शार्दुल पंडित का। लेकिन बिग बॉस पलटने वाले हैं एक बार फिर से सीन, किस तरीके से चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। और आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है और इस बार इस हफ्ते नॉमिनेटेड हुए हैं शार्दुल पंडित और साथ में रूबीना दिलेक। रूबीना दिलेक ने जब से घर में एंट्री ली है 5 हफ्ते हो चुके हैं, 6ठा हफ्ता चल रहा है, 5ों के 5ों हफ्ते रूबीना दिलेक नॉमिनेटेड रही ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रिडिक्टेबल है कि रूबीना जो है वो सेफ हो जाएंगी और शार्दुल पंडित को मिलेगा घर के बाहर का रास्ता। जैसा कि हम सभी ने प्रिडिक्ट किया था कि पहले नंबर पे सारा गुरपाल निकलेंगी, निकल गई, उसके बाद में शहजाद निकल गए, फिर निशांत निकल गए, फिर नैना निकल गई है, अब बारी जो है वो शार्दुल की समझी जा रही है। वह आपको बता दूं कि यहां पर सीन जो है थोड़ा सा पलटने वाला है, क्योंकि इविक्शन जो होगा वो शार्दुल का नहीं बल्कि होगा रूबीना दिलेक का। जी हाँ, शॉकिंग, शॉक लगा, रिलैक्स, इस इविक्शन के पीछे भी है एक बहुत बड़ा सीन। सीन में ये है कि रूबीना को रखा जाएगा सीक्रेट रूम के अंदर, तो जहां घर वालों को झटका दिया जाएगा कि रूबीना दिलेक आउट हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूबीना दिलेक को रखा जाने वाला है एक सीक्रेट रूम में, जैसे कि बिग बॉस का एक चलन आता ही है। तो यहां पर रूबीना को ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार कौन उनके लिए सही दोस्ती साबित कर रहे हैं, मतलब सच में अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, या फिर और कौन कौन है जो उनकी पीठ में छुरा घोपते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है और ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही अनाउंस है, पहले से ही पता है, तो नहीं, मैं आपको बता दूं ये सब खबरें जो है वो मीडिया सोर्सेज की तरफ से आई है। और दूसरी चीज, स्क्रिप्टेड नहीं है, बिग बॉस का घर जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, बट हाँ एडिटिंग वाला जरूर होता है, ये मैं मानती हूँ। भाई कितने दिन तक तुम, इतने दिनों तक तुम स्क्रिप्टिंग नहीं रख सकते, जबकि 24 घंटे अब तो वुड साइड पे 24 घंटे आप चीजें देख सकते हैं, तो 24 घंटे के स्क्रिप्ट तो भाई कोई नहीं पढ़ सकता। रिएक्शन और एक्शन जो है कुछ चीजें हो सकती है लेकिन सारी नहीं, एडिटेड होता है बहुत ज्यादा। अब यहां पर आपको बता दूं कि रूबीना जो है वो घर से बेघर नहीं होंगी, प्रैक्टिकली होंगी भी और नहीं भी होंगी, क्योंकि उन्हें रखे जाने वाले हैं सीक्रेट रूम में, और वजह है जैस्मिन भसीन और एलिगोनी भी, क्योंकि जैस्मिन और रूबीना की दोस्ती काफी अच्छी थी, लेकिन एली के आने के बाद से जिस तरीके से इन दोनों की दोस्ती में जो एक गैप, एक थिन लाइन जो आ गई है, बिकॉज एली को नहीं पसंद है रूबीना और अभिनव इतने जितने कि जैस्मिन के वो लोग क्लोज है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कहते ना एक मुद्दे से भटकने वाली जो चीजें हो गई हैं वो वाली चीज शुरू हो गई है। वैसे में रूबीना को देखने को मिलने वाला है ये सारी चीजें। वेल, आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिग बॉस का ये स्टेप अगर सच में होने वाला है तो सही है या गलत, राय कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल आप लोगों को शेयर करनी है। बाकी बने रहना है चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।